हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैम थिंग। दोस्तों, आप सबने सुना होगा जल ही जीवन है, तो मैं आपसे थोड़ा सा योगदान चाहूँगा कि आप जल बचाने में सहयोग करें। दोस्तों, आजकल आप सबने ये सुना होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स जो हम बाज़ार में खरीदते हैं वो कितनी हानिकारक हैं। तो दोस्तों, हमें इन बॉटल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर से पानी की बॉटल्स ले जानी चाहिए, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होती। तो दोस्तों, हमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ख़रीदना अवॉइड करना चाहिए। हम घर से क्यों ना पानी ले जाएं अपनी बॉटल्स में, और जहाँ भी हमें टैप वाटर मिले, रेलवे ने तो ये फैसिलिटी शुरू कर दी है, तो हम वहाँ से भी पानी पी सकते हैं। ये गूगल से मैंने आप कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यूएई का इसमें जिक्र हुआ है कि यूएई में 768 मिलियन लोग वाटर बॉटल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से 80% जो बॉटल्स हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, वो रिसाइकल्ड होती ही नहीं। सोचिए कितना कचरा फैलता होगा। और पानी जो है 1000 गुना महंगा है टैप वाटर से, और एक बॉटल को बनाने में 3 लीटर पानी हम वेस्ट करते हैं। कंपनीज जो पानी बनाती हैं वो एक बॉटल बनाने में 3 लीटर पानी वेस्ट करती हैं और आधा लीटर ऑयल वेस्ट करती हैं। और सोचिए 1000 साल से डिकम्पोज होने में लगते हैं, और जो मरीन लाइफ है उसमें 120 मरीन मैमल जो हैं वो थ्रेटन लिस्ट में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट। और मार्च ये आप देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी वेस्ट होती है एक बॉटल को बनाने में। ये पैसिफिक इंस्टीट्यूट की 2009 में स्टडी की रिपोर्ट है। देखिए कितने % ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी वेस्ट होती है, तो 7.92 मेगा जूल एनर्जी वेस्ट होती है। इस एनर्जी को हम और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है प्लास्टिक बॉटल्स ना यूज़ करें, और आगे भी लोगों को जानकारी दें, उन्हें समझाएं। ये देखिए एक और वीडियो है जिसमें लिखा है एटलीस्ट 450 ईयर्स लगते हैं और कुछ कुछ में 700 साल तक लगते हैं बॉटल को डिकम्पोज होने में, और ये हमारे जो भूमिगत जल स्रोत हैं उनको भी टॉक्सिक बनाती है। ये देखिए कूड़े का कितना ढेर है, ये सब प्लास्टिक बॉटल्स हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि प्लास्टिक बॉटल्स ना यूज़ करें, ताकि हम आगे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार कर पाएँ। और आज ही हम ये प्लेज लें कि हम घर से ही पानी ले जाएंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ नहीं करेंगे। कई वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों जहाँ पानी की बॉटल्स बैन होने वाली हैं या कर दी गई हैं। सैन फ्रांसिस्को भी इसका एक उदाहरण है। वहाँ तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब बॉटल्स को बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मोमेंट में आप भी जुड़ जाएं और ये प्रतिज्ञा करें कि आप वाटर बॉटल नहीं खरीदेंगे और टैप वाटर से पानी पिएंगे। सब्सक्राइब टू फोर डैम थिंग इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।